गुड आफ्टरनून। ये पहले तो बताओ, अमेठी में बीजेपी और कांग्रेस ने कैंडिडेट अनाउंस करे नहीं करे? सर स्मृति मैम तो अनाउंस हो चुकी हैं, कांग्रेस ने अभी नहीं किया है। वाड्रा साहब के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि अमेठी वाले चाह रहे हैं मैं खड़ा हूँ वहां से। नो सर, वी आर हैप्पी विद स्मृति मैम। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा कब से जनप्रदाश से जुड़े हो मैम? सर पोस्ट कोविड। पोस्ट कोविड, सो इट्स बीन 2-3 साल है ना टाइप्स। कैसा रहा है 2-3 साल का सफर? सर अच्छा था। इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट आ रहा है। हाँ, और इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक कैसे डिसाइड कर रहे हो आप मैम? सर सीएनबीसी आवाज, मतलब सीएनबीसी आवाज अमित जी जो कहते हैं आप ले लेते हो ऐसा क्या? स्पेशली अमित सर को नहीं कहूंगी, बट फिर भी जो आपका मेन पैनल है, कई लोग जब एक ही स्टॉक सजेस्ट करते हैं तो वो ले लेते हैं सर। कई लोग जब एक ही स्टॉक सजेस्ट करते हैं, वैसे कहते हैं कंसेंसस खराब होता है शेयर बाजार में, आपके लिए सही पड़ रहा है तो सही होगा। पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास कोचिंग शिपयार्ड है, 94 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 650। यस सर। ओके, और ये लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो में रख रखा है? हाँ सर, नेक्स्ट 1-2 इयर्स का इसका जानना था विजन, मतलब रखे रहूं कि नहीं रखे रहूं, 1-2 साल में और गाड़ी कमाई होगी नहीं होगी। अमित जी कैसा लग रहा है भाई, 660 पे लिया हुआ, 1000 रुपए प्लस पे खड़ा हुआ है, बढ़िया 400 रुपए पर शेयर का गेन। जी आशीष जी, स्ट्रक्चर यहाँ भी पॉजिटिव है, मंथली वीकली चार्ट्स कहीं कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है। 3-4 दिनों से जो हम पुल बैक देख रहे हैं डेली चार्ट्स पे, दैट्स नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग, और 20 डेमा पे आज सपोर्ट ले रहा है, बट इनका क्योंकि नजरिया काफी लॉन्ग टर्म का है तो बने रहे, हाई रहे, हाई लो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। इसने स्टॉक ने ब्रेकआउट लगभग दिया था 1000 के लेवल पे, तो 1000 का एक स्टॉप लॉस बना के इसमें राइड करें। आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में जैसा स्ट्रक्चर देख रहा हूँ यहाँ पे हायर लेवल्स आएंगे। भैया बढ़िया है, हायर लेवल